शेयर करना आप सब, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। देखिए आज मैं अपना वीडियो शाम से शुरू कर दी हूँ और बहुत मेहमानदार मेरी ईद की व्यवस्था का मूड बहुत ज़्यादा, बहुत मेहमान आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, अभी नाश्ता तो याद करके आई हूँ। चलिए अब मैं मेहमानों को नाश्ता कर, देखिए नाश्ता हो गया है, तैयार मेहमान बैठे हैं, उनके लिए नाश्ता लेकर जाती हूँ। अब मेहमानों के लिए नाश्ता ले जाऊँ, दो जा रहे हैं, चार आ रहे हैं। देखिए फैस सुबह से काम में लगे लगे, जो 5 बजे उठती हूँ पूरा दिन ही हो जाता है, और बस अब मैं जल्दी से सारे काम से फारिग हो गए बना लेती हूँ झटपट वाली आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो मैंने ये बैंगन, आलू, प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च सब चीज़ें ले ली हैं और मैं बनाऊँगी यम्मी यम्मी टमाटर की सब्ज़ी, आलू बैंगन टमाटर आलू वाली सब्ज़ी बनाऊँगी जल्दी से, क्योंकि मेरी सास अम्मा को लग जाती है भूख जल्दी, मतलब मैं जल्दी से बना लेती हूँ। देखिए ये हो गया है तैयार, ये पहले एक बार ये डाला था मैंने, ये हो गया था, और अब की बार में ये हो गया। देखिए बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत ही आसानी से। मुझे तो बाज़ार का घी बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि मैं ऐसे बना लेती हूँ ना, तो इसलिए। अब ये ऐसा हो गया कि इसको हाथों से निकाल लो, देखो कैसा अच्छा मोटा मोटा हो गया, ये बिल्कुल इतना अच्छा हो के आता है ये कि मैं क्या बताऊँ। मैं इसको ऐसे निकाल के इसको गर्म कर लूँगी, अब की बार मैं कढ़ाई में नहीं करूँगी क्योंकि निकालने में बहुत दिक्कत होती है, मैं इसको भगोने में ही गर्म करूँगी घी को। देखिए फ्रेंड्स ये हो गया है हमारा घी तैयार, देखो कितना अच्छा घी हो गया, कितना सारा घी मक्खन निकला, और देखो ये हो गई हमारी छाछ। तो दोनों चीज़ें हो जाती हैं, मैं इसको मलाई को फ्रिज में रखती हूँ, नहीं तो फिर अगर ऐसे रखो तो ये सड़ जाता है, फिर अब इसकी छाछ का भी यूज़ हो जाएगा। और देखिए ये कितना अच्छा मक्खन हो गया, किसी भी तरह इसको यूज़ करो, खाओ। अब मैं इसको गर्म करती हूँ, देखिए छान लिया है घी मैंने, तो कितना अच्छा घी हो गया। बस अब मैं इसको रख देती हूँ। देखिए फैंस कपड़े भी धुल गए हैं मेरे, कपड़े भी धो दिए मैंने, और बस अब मैं खाना बनाऊँगी। खाने में बनाऊँगी मैं आज सब्ज़ी, कोई थोड़ी सी हल्की फुल्की सी बस। देखिए बन रही है आलू बैंगन की सब्ज़ी, कटिंग कर ली थी मैंने जल्दी जल्दी से, इसको चढ़ा दी है क्योंकि मेरी सासू मम्मा को लग रही है भूख बहुत तेज़ वाली। बस अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी और ये तैयार हो जाएगी, फिर रोटी आटा बनाऊंगी और फिर रोटी बनाऊंगी। आ जाइए, देखिए हो गया है खाना तैयार, और ये मेरी थाली हो गई है लग के तैयार, देखिए मेरे साथ खाना खा लीजिए। ये मैंने, ये शीर है और ये मैंने मट्ठा भिगोया था ना, मट्ठे में मसाला वसाला डाल लिया है, आलू बैंगन की सब्ज़ी और ये कल की बची हुई थी थोड़ी भिंडी, ये खीरा है, रोटी है। आ जाइए खाना तैयार हो गया है, और मुझे कमेंट में लिखकर बताना, आप बताते नहीं कमेंट में बताया करें मुझे। लेके आए, देखिए भैया लेके आए मेरे लिए बाग से आड़ू, मैंने कहा था उनसे तो वो मेरे लिए लेके आए, अभी अभी दे के गए हैं। आ जाइए खा लीजिए ताज़े ताज़े आड़ू, देखिए फैंस आड़ू कितने अच्छे हैं, आ जाइए खा लीजिए, बहुत अच्छे आड़ू हैं, पिंक पिंक, ग्रीन नहीं है पिंक है। और देखो फैंस अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, मुझे लिख के बताना कमेंट में और कि मेरा वीडियो क्या क्या लगा आपको, और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।